हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी लेटेक्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं कराने जा रहा हूँ आपको ऑर्डर्ड पेयर। तो देखो बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जैसे हमारे पास दो सेट होते हैं, सपोज दैट आपके पास कोई एक सेट ए है जिसमें आपके पास दो एलिमेंट ए और बी भी वन है, और अनदर आपका सेट, आप कोई भी सेट ले सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हमें देखना है कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। सर सपोज दैट हमारे पास ए कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट आपके ए एंड बी, और बी कोई सेट है अनदर सेट जिसमें आपके एलिमेंट हैं कुछ भी मान लीजिए आप A1 एंड B1, ठीक है। इस तरीके से आपके पास दो सेट हैं और आपको ऑर्डर्ड पेयर बताना है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब आप सभी को पता है, जिसमें क्या हो, दो एलिमेंट हो। कितने एलिमेंट हो, टू एलिमेंट्स हो। कितने एलिमेंट हो, टू एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब भी तो हमारा एक पेयर बनता है, तो इस टाइप का पेयर को हम क्या बोलते हैं। जैसे आपने इसका पेयर बनाया ए और ए वन, तो इस टाइप के पेयर्स को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में आपके हमेशा दो एलिमेंट होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई दो सेट गिवन होते हैं, उन सेट्स के एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है, पेयर जो बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, क्लियर। तो अब देखो ऑर्डर्ड पेयर, हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो देखो मेन जो टॉपिक आता है आपका इसमें, वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, ये भी एक सेट का ही टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल प्रोडक्ट तो सभी को पता है क्या होती है। प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो कुछ अलग तरीके की, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो टू और थ्री को, तो क्या लिख देते हो, सिक्स लिख देते हो, फोर इंटू टू कर लेते हो तो क्या लिख देते हो, एट लिख देते हो। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है वो हमारी किसकी होती है, सेट्स की प्रोडक्ट होती है। क्या होता है, सेट्स की। अब सभी को पता है कि सेट क्या होता है, सेट आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी आपके ऑब्जेक्ट है उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, हमारा सेट होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज दैट आपके पास दो सेट गिवन है, क्लियर। आपके पास एक सेट है 1 2, क्लियर। दो सेट, आपके पास एक सेट है ए जिसमें आपको दो एलिमेंट गिवन है 1 2, और अनदर सेट आपको गिवन है जिसमें आपके एलिमेंट गिवन है 0 एंड 1, ठीक है। अब देखो, अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे शो करते हैं, देखो प्रोडक्ट को शो तो हम इसी तरीके से करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी से ही आप इसे शो करोगे। लेकिन आगे क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब, नेक्स्ट देख लीजिए, ए क्रॉस बी तो हम शो करेंगे, तो क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, जैसे आपका ए का एलिमेंट क्या है 1, ठीक है, ए का एलिमेंट क्या है 1, तो 1 की प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, 0 के साथ। तो 1 की प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं करके दिखाओगे आप 1 इंटू 0 तो कितना जाएगा 0, नहीं, ये क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक। तो किस तरीके से लिखना होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात करी थी वही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में एज इट इज यूज होता है, ठीक है। तो ये भी क्या बनेगा, एक सेट बनेगा, ठीक है, ए क्रॉस बी आपका एक सेट बनेगा, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है। किस तरीके से, पहले 1 की कराई आपने 0 के साथ, और फिर 1 की कराओगे किसके साथ, 1 के साथ, क्या आ जाएगा, 1 की कराओगे 1 के साथ, क्लियर। इस तरीके से हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। फिर आप 2 की करोगे किसके साथ, 0 के साथ, तो क्या लिखोगे, 2 0, एक पेयर ये बन जाएगा, और 2 की 1 के साथ करेंगे तो 2 और 1, ठीक है। ये आपका क्या आ जाता है, यहाँ से ए क्रॉस बी आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से जो ए के एलिमेंट वो किस में बिलोंग करेंगे, देखो 1 और 2 जो है आपका वो किस में बिलोंग कर रहा है, 1 और 2 की अगर हम सेट की बात करें, ये बिलोंग कर रहा है आपके ए में, और 0 एंड 1 किस में बिलोंग कर रहा है, ये किसके सेट के, बी सेट के, तो किस में बिलोंग कर रहे हैं, बी सेट में, ठीक है बच्चों। तो ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें इस तरीके से प्रोडक्ट नहीं करना होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब आपका होता है, जो आपके पास सेट गिवन होंगे, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है, कोई भी आपके सेट्स गिवन होंगे, जैसे ए बी दो सेट गिवन हो या 3 सेट गिवन हो, उसी तरीके से आप यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर बना करके लिख देंगे, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। किस फॉर्म में लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में बनाना ही आपका क्या होता है, दो सेट को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, क्लियर। तो देखो इसमें क्या होगा आपका, और नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कुछ इससे। हाँ, अब देखो ये आपने ए क्रॉस बी निकाला,
अब हमेशा आप याद रखना जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, वो क्या होती है इम्पोर्टेंट प्रोडक्टी प्रॉपर्टी जो होती है कार्डिशियन प्रोडक्ट की, वो हमेशा आपका क्या होता है ए क्रॉस बी जो हमेशा होता है वो नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। क्या होता है बी क्रॉस ए के नॉट इक्वल होता है। कैसे देखो आपने क्या निकाला यहाँ से ए क्रॉस बी निकाला तो 1020 ठीक सॉरी 1011 बना फिर 2021 बना ठीक है। इस तरीके से तो करेंगे जैसे हमारे पास दो सेट हो उनके एलिमेंट का हम क्या कर बना लेंगे ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। क्लियर ठीक है। अब इसमें आप चेक करके देख सकते हो बी क्रॉस ए तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या है जो बी वाले एलिमेंट है वो पहले आ जाएंगे तो 01 क्या बन जाएगा आपका 0 and 1 बन जाएगा ठीक है बच्चों 1 and 1 बन जाएगा 1 and 1 बन जाएगा। फिर क्या बनेगा 01 11 02 02 एंड क्या बनेगा 12 ठीक है। लेकिन क्या होगा ये जो आपका ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर बना है आपका ए क्रॉस बी का वो किसके नॉट इक्वल होगा बी क्रॉस के क्योंकि आपके यहाँ पर 010 था यहाँ पर 01 है। तो आपको ये नहीं देखना कि फर्स्ट एलिमेंट कि अगर हमारी पोजीशन भी चेंज हो जाती है तब भी आपको क्या हो जाता है नॉट इक्वल टू हो जाता है। तो यानी इसका जो मेन आपका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये बहुत बार आपका एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए ठीक है। यानी अगर हम ए की बी से क्रॉस प्रोडक्ट कराएं और वो अनइक्वल होगी किसके बी क्रॉस ए के, ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो। क्लियर। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर करके जैसे हमारे पास एक सेट गिवन है ए जिसमें आपको 3 एलिमेंट गिवन है 1 2 and 3 एंड अनदर सेट आपको गिवन है बी और जिसमें आपको गिवन है यहाँ पर 0 and -1 ठीक है। आपको निकालना है यहाँ से ए क्रॉस बी तो कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी सिंपल है आपको क्या लेना है फर्स्ट एलिमेंट दिस तो कितना आ जाएगा 10 ठीक है। पहले सारे से आप किसकी क्या करा लोगे प्रोडक्ट करा लोगे 1 की माइनस 1 से कराओगे तो 1 and -1 ठीक है। फिर आ जाए 20 कितना आ जाएगा 20 2 and -1 2 and -1 एज इट इज 30 and -1 कितना आ जाएगा 3 and -1 ठीक है। ये आपके आपके जो ऑर्डर्ड पेयर बने ये बने आपके ए क्रॉस बी के ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से निकालते हो बी क्रॉस ए। अब देखो बी क्रॉस ए में क्या आने वाला है तो बी वाले एलिमेंट पहले आ जाएंगे और ए वाले एलिमेंट आपके बाद में आ जाएंगे तो कितना बनेगा देखो 01 -1 and 1 02 -1 and 2 -1 and 2। अब देखो यहां से फिर 03 -1 and 3 -1 and 3 तो देखो बच्चों यहां पर जो आपके यहां पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैंने दोनों निकाल के आपको बताए हैं। तो इस एग्जांपल में आप ध्यान से देखिए कि क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल है। आप कहोगे नहीं क्यों नहीं है देखो यहां से देखो क्या ये इक्वल है ये तो आप इक्वल कह सकते हो नहीं इक्वल नहीं है ये भी क्योंकि यहाँ पर -1 1 and +1 and -1 है। तो रिजल्ट आपका डायरेक्ट यहाँ से निकल करके आता है आप ध्यान रख सकते हो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए ठीक है। यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है आपका वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है ना कि आपका इस तरीके का प्रोडक्ट। बस आप इसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो आपके पास दो सेट गिवन होंगे उन दोनों सेट के एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना ही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है।